आप देख रहे हैं एनपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूं राजू दुबे। देखिए आज की एक बड़ी खबर। अंधविश्वास के नाम पर मासूम बच्चियों को नग्न कर गांव में घुमाया, अच्छी बारिश हो इसके लिए किया टोटका। दमोह के आदिवासी बहुमूल्य इलाके जबेरा के बनिया गांव में एक अनूठा नजारा देखने को मिला। यहां पर अच्छी बारिश की कामना से कुरुकृथा के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों को नग्न कर गांव में घुमाया गया। ये बच्चियां हाथों में मिसाल लिए थी, जिसमे मैट के बंदी हुई नग्न अवस्था में घूमते हुए एक बच्चियां खेर माता मंदिर पहुंची और यहां पर खेर माता को गोबर का लेप किया। यहां महिलाओं की मान्यता है कि ऐसा करने से बारिश होगी और प्रतिमा पर लगा हुआ गोबर अपने आप धुल जाएगा। जबेरा के बनिया गांव में हुए इस घटनाक्रम के बाद जब पुलिस अधीक्षक को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने कहा इस विषय में जांच करेंगे, अगर जबरदस्ती इन बच्चियों को घुमाया गया है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है भाई आपको? रमा रानी। कौन सा गाँव है ये? ग्राम बनिया। आप लोग ये कर रही है क्या है, काय के लिए कर रहे हैं? अच्छा, धान सूख रही है आपकी? अच्छा, तो अभी पानी नहीं गिर रहा बिल्कुल? खीर माता को थोप दिया, काय से थोप दिया? गौ के गोबर से लगाया है। अच्छा अच्छा, पानी? अच्छा, ऐसा करोगे तो पानी गिरता है क्या? आपको क्या नाम है भाई? अजिद्या। अजिद्या, पूरा नाम क्या है? अजिद्या रानी। अजिद्या रानी ठाकुर। हाँ। आपका नाम? रमा रानी। आज इस समाचार पत्रों के माध्यम सूचना प्राप्त हुई है कि जबेरा ब्लॉक में अमदरा पंचायत का ग्राम बनिया है, वहाँ पर वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे सर में एक मिट्टी का रख करके उसमें पानी डालते हैं और ये एक परंपरा है, अंधविश्वास भी कह सकते हैं कि जब पानी नहीं आता है या पानी नहीं गिरता है तो बहुत छोटे बच्चों को नग्न करके उसके सर पे मिट्टी रख करके घर घर जाते हैं, पानी डालते हैं। तो एक परंपरा है जो ग्रामीण लोग जो है वो कभी कभी करते हैं। तो अभी सूचना प्राप्त हुई तो हम इसकी तस्दीक करा रहे हैं कि कोई जबरदस्ती तो नहीं किया गया है, अगर ऐसा होगा और कोई रिपोर्ट होगी तो विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें सर उसकी जो माँ है, सर उसके परिजन भी हैं? सभी बच्चे के परिजन जो साथ में रहते हैं और वो ही करवाते हैं, प्रेरित करते हैं। तो एक टोटका टाइप का है, परंपरा है टोटका टाइप का, जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक अंधविश्वास के रूप में लिया जाता है और ये सभी सहमति से ही होता है और जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनके माता पिता भी साथ रहते हैं। हाँ, ये मेंढकी प्रथा ही है। अब वो मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, लेकिन ये सुना है कि एक मेंढकी प्रथा होती है और जो पानी लाने के लिए सब टोटका करते रहते हैं।